हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिविल सपोर्ट में। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको कि प्लास्टर क्रैक कैसे होता है। ऐसी पांच इंपॉर्टेंट बातें जो कि मतलब कि आपका जो प्लास्टर है वो क्रैक होने में पूरी पूरी संभावना करते हैं, ये पांच चीजें। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो पे नए हैं दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों हम आज बताने वाले हैं आपको कि प्लास्टर क्रैक कैसे होता है। बहुत सारी दीवारों में आप समझते हो, बहुत सारी दीवारों में देखे भी होंगे कि प्लास्टर क्रैक होने का असली रीजन क्या है। दोस्तों पांच हम ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं जो कि प्लास्टर क्रैक होने में मतलब कि फुल अपना सहयोग प्रदान करती है। दोस्तों नंबर वन, आप प्लास्टर करते हो तो आपकी जो दीवार है वो अच्छे से गीली होना चाहिए। और नंबर टू दोस्तों, आपको रेती ना तो ज्यादा बारीक लेना है और ना ही ज्यादा मोटी। मोटी वाली रेती आपको क्रैक तो नहीं होने देगी बट उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, बट ज्यादा बारीक जो रहती है वो नहीं लेना है, उससे भी प्लास्टर क्रैक होता है। और नंबर थ्री, आपको माल एक चार का ही बनाना है, इससे ज्यादा का माल नहीं बनाना है। इससे भी सीमेंट की मात्रा कम होने से भी प्लास्टर क्रैक हो सकता है। और नंबर फोर दोस्तों, आपको माल एक घंटे से ज्यादा का यूज नहीं करना है, प्लास्टर का हो या आपकी चुनाई का हो। और नंबर फाइव दोस्तों लास्ट, अगर आपका जो प्लास्टर है उसमें कम से कम 12 से 13 दिन तक तरी होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो आपका प्लास्टर कभी क्रैक होगा ही नहीं, किसी भी परिस्थिति में क्रैक नहीं होगा। अगर इनमें से कोई भी अगर एक चीज की कमी आई तो फिर प्लास्टर क्रैक होने की पूरी संभावना है। दोस्तों ये पांच चीजें ऐसे इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आप जब भी प्लास्टर करवाते हो या रहे हो, ये आपने पांच चीजों को अगर फॉलो किया तो आपका प्लास्टर कभी भविष्य में भी क्रैक नहीं होगा। दोस्तों